पर से राज्यों से आए हुए यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र के साथी मेरे साथ में खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। सभी जिले के लोग यहाँ के प्रतिनिधियों के रूप में इस 3 दिन के पड़ाव में आए हैं। हमारी सबसे सबसे प्रोमिनेंट मांग जो है वो न्यूनतम वेतन की है। यहाँ की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जो है सभी राज्यों की वो सशक्त होनी चाहिए। कामगार कानून जो है उनमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और वो कामगारों के विरोध में जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आने की सोच ली है। और ये जो संगठन है हमारा राज्य सरकारी कर्मचारियों का महासंघ जो है वो सभी राज्यों में और लगभग 70 लाख कर्मचारी हमारे हैं और सभी राज्यों के राज्य सरकारी कर्मचारी यहाँ पे आए हैं। उसमें और दो जो मांगे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जो है जो DCPS है, नई अंशदायी पेंशन योजना जो लाई है जिसका रूपांतर अब NPS में किया गया है, ये बहुत ही घातक है, धोखादायक है। और हमारा जो नया कर्मचारी 2004 और 2005 के बाद सेवा में शासकीय सेवा में आया है उसका भविष्य अंधकारमय हुआ है। इस सरकार ने इस पेंशन के तहत इनका भविष्य तहस नहस कर दिया है। दूसरी जो बात है, सभी विभागों में सरकार के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी विभागों में निजीकरण बहुत बढ़ रहा है। और उससे महत्वपूर्ण बात है, कंट्रैक्ट पर लगाई गई जो रोक थी वो इन्होंने निकाल दी है और कंट्रैक्टीकरण जो है, कंट्रैक्ट के लोग हैं वो काफ़ी हिस्से में यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी तो डिफेंस में भी, इस सरकार के डिफेंस में भी कंट्रैक्टी कर्मचारी बढ़ रही है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही बुरी बात है। और दूसरा जो है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समान काम समान दाम समान वेतन देना चाहिए, लेकिन ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये कंत्राटी कर्मचारियों को, मेहनत कशों को, इन मजदूरों को न्याय नहीं देती है। उनको न्याय दिना के हक में हम सभी लोग हैं और इसीलिए 3 दिन का पड़ाव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है।